नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी 12वीं पास हैं या आपका बच्चा या फिर आपका कोई भाई बहन और वो डिग्री कोर्स करना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, UGC ने एक बहुत ही बड़ी जो है घोषणा की है, जिसमें फ्रेंड्स अब 12वीं के जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पर कॉलेजों में जो है एडमिशन नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। अब दोस्तों इसके लिए एक टेस्ट होगा जिसको कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो है बोला जा रहा है, CUET। फ्रेंड्स आइए जानते हैं क्या इसकी प्रोसेस होगी, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा। लेकिन दोस्तों, ये केवल जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनसे यदि आप डिग्री कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए अनिवार्य होगा। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि ये जो है अब इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा कॉलेजों में एडमिशन होगा। दोस्तों, 2010 से जो है इसकी शुरुआत हो गई है। पहले दोस्तों मात्र 14 यानी कि 14 यूनिवर्सिटी इससे जो है जुड़े हुए थे। अब दोस्तों लेकिन सभी 45 जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी में एडमिशन जो है इस टेस्ट के द्वारा होगा। निजी कॉलेजों के लिए दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है, वो चाहें तो इस टेस्ट के द्वारा जो है एडमिशन करा सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, और मैं आपको बता दूं जो कॉलेज में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा उसमें दोस्तों आपके 12वीं के मार्क्स का कोई भी वेटेज नहीं रहेगा, पूरा का पूरा जो वेटेज रहेगा इस टेस्ट के आधार पर ही रहेगा। मैं आपको फिर से दोस्तों उसका नाम बता दूं, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, CUET। CUET जो है इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों इसका अब बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। और तो दोस्तों देखिए, इसका जो एग्जाम है 105 मिनट यानी के सॉरी फ्रेंड, इसका जो एग्जाम है आपका 3.5 घंटे का जो है इसका एग्जाम आपका होगा, 3.5 घंटे का जो है इसका एग्जाम होगा। और इसमें फ्रेंड जो भी क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और इसका दोस्तों जो पेपर रहेगा 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला दोस्तों जो रहेगा लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, और दूसरे में दोस्तों डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट रहेंगे 27, और तीसरा दोस्तों जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का दोस्तों जो सिलेबस है करंट अफेयर है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, ये 8वीं लेवल तक का जो है पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा ये पेपर, और 3.5 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इससे संबंधित आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करें, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। धन्यवाद।